तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस फ़ोन से कैसे कनेक्ट होगी वो मैं कनेक्ट करके दिखला दे रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे, देख लीजिए ये यहाँ पे एरो वाला में, और ये कनेक्शन गाइड ऑप्शन में आना है आपको। कनेक्शन गाइड में ओके करना है जाके, और आपको अपने फ़ोन की यहाँ पे जैसे मैं अपनी फ़ोन दिखला दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे कास्ट की, आपकी रेडमी की अगर फ़ोन होगी तो उसमें कास्ट की ऑप्शन होगी। यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट कास्ट को आप ऑन करोगे, अब कास्ट को ऑन करोगे, कास्ट को आपको ऑन कर लेना है यहाँ पे वाईफाई के थ्रू, और अपने कास्ट को ऑन करने के बाद वाईफाई आपका ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा गाइस। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा स्मार्टफोन का, यहाँ पे स्मार्टफोन पे आना है, और यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग जो ऑप्शन दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे सैमसंग की, यहाँ पे देख लो सैमसंग मॉडल नंबर ऑटोमेटिक आ गया, इसे आप टच करोगे ऑटोमेटिक ये टीवी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो देखो जैसे यहाँ पे और दिख रही है रेडमी नोट 7 प्रो कनेक्टेड, तो ये मेरी रेडमी नोट 7 की सेट है, उसी के साथ ऑटोमेटिक देखोगे आप कनेक्ट हो जाएगी। तो देखो यार ये टीवी मेरी कनेक्ट हो गई है फ़ोन से डायरेक्ट, तो अब मैं जो भी यूज़ करूँगा ये आपको डायरेक्ट वहाँ पे चलेगी। तो जैसे ये मेरी खुद की वीडियो में अपलोड कर दिखला रहा हूँ आपको यूट्यूब से, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो वो चलेगा। तो आप देख सकते हो ये मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर रखी है ये, और मैं इसे जैसे ही अपने फ़ोन को रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट हो जाती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अब वॉल्यूम भी दूंगा तो देखना ये आपको सारी कुछ फ़ोन पे मैंने देखो ये टच किया ऐसे, फ़ोन पे मैंने स्किप किया तो वहाँ पे स्किप होती है, सारा कुछ कनेक्टेड हो जाएगा आपको फ़ोन की जैसे एक तरह।